राहुल के चापलूस कांग्रेस पार्टी चलाते हैं। सोनिया जी, आपके राहुल को उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस बर्बाद हो गई। इस्तीफे के इन पन्नों में 7 किरदार और 4 हालात हैं। कौन से 7 किरदार हैं? किस वजह से कांग्रेस बर्बाद हो रही है? क्यों गुलाम नबी आजाद ने ऐसा लिखा जिसे सुनकर कांग्रेसी दंग है? जी, पार्टी को छोड़ते वक्त सोनिया गांधी को लिखे गुलाम नबी आजाद के एक एक शब्द आज कांग्रेसियों की नींद उड़ाए हुए हैं। जो शख्स 4 दशक तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य रहा, 35 साल तक देश के हर राज्य और केंद्र शासित राज्यों में कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज का काम संभालता रहा, जिन राज्यों में गुलाम नबी इंचार्ज रहे उसमें 90% तक कांग्रेस को जीत मिली। वही गुलाम जिन्होंने इंदिरा गांधी के साथ काम किया, राजीव गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाया, पीवी नरसिम्हा राव के साथ भी कांग्रेस को मजबूत किया। वही गुलाम जो सोनिया गांधी के साथ खड़े रहे। उन्होंने पार्टी छोड़ते वक्त राहुल गांधी की गुलामी को कबूल ना करने का जिक्र कर दिया। तभी तो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे गुलाम ने पार्टी को छोड़ते वक्त जो वजहें गिनाई, उसे आपको भी सुनना और देखना चाहिए। समझ में आ जाएगा कि आजाद कांग्रेस से आजाद होते वक्त कांग्रेस के बेड़ा गर्क होने की पूरी गाथा लिख गए। और कांग्रेस को बेड़ा गर्क करने के सबसे बड़े जिम्मेदार उन्होंने सोनिया गांधी के प्यारे राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया। वो 5 पन्ने जो उन्होंने इस्तीफे के भेजे उसमें क्या क्या लिखा वो आपको बताते हैं। तो चलिए, 7 किरदार और 4 हालात जो जिम्मेदार हैं गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के, अब वो भी देखिए। गुलाम नबी आजाद ने पत्र लिखते हुए सबसे पहले राहुल गांधी पे निशाना साधते हुए लिखा कि दुर्भाग्य से राजनीति में राहुल गांधी की एंट्री, और खास तौर पर जब आपने जनवरी 2013 में उन्हें उपाध्यक्ष बनाया, तब राहुल गांधी ने पार्टी में चल रही सलाह के मैकेनिज्म को तबाह कर दिया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और गैर अनुभवी चापलूसों का नया ग्रुप बनाया गया जो पार्टी चलाने लगे। लेकिन इस पत्र में लिखते हुए आगे गुलाम नबी आजाद ने जो लिखा उससे साबित होता है कि राहुल गांधी के दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह चाटुकारों की फौज है। तभी तो गुलाम ने लिखा कि यूपीए सरकार की अखंडता को तबाह करने वाला रिमोट कंट्रोल सिस्टम अब कांग्रेस पर लागू हो रहा है। आप बस नाम के लिए इस पद पर बैठी हैं। सभी जरूरी फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। उससे भी बदतर ये है कि उनके सुरक्षा कर्मी और पीए ये फैसला ले रहे हैं। वैसे तो गुलाम ने कांग्रेस को अलविदा करते वक्त जिन हालातों का जिक्र किया है उसमें राहुल गांधी ही केंद्र में दिखाई देते हैं, क्योंकि 2014 की हार का जिक्र करते हुए आजाद ने लिखा कि कांग्रेस की बर्बादी का सबसे ज्वलंत उदाहरण वो है जब राहुल गांधी ने सरकार के अध्यादेश को पूरी मीडिया के सामने टुकड़े टुकड़े कर डाला। कांग्रेस कोर ग्रुप ने ही ये अध्यादेश तैयार किया था। कैबिनेट और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी थी। इस बचकाना हरकत ने भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के औचित्य को खत्म कर दिया। किसी भी चीज से ज्यादा ये इकलौती हरकत 2014 में यूपीए सरकार की हार की बड़ी वजह थी। कांग्रेस की गर्त में जाने के पीछे की वजहों को गिनाते गिनाते गुलाम नबी आजाद आगे लिखते हैं कि 2014 में आपकी और उसके बाद राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस शर्मनाक तरीके से 2 लोकसभा चुनाव हारी। 2014 से 2022 के बीच में हुए 49 विधानसभा चुनावों में से हम 39 चुनाव हार गए। पार्टी ने केवल 4 राज्यों के चुनाव जीते और 6 मौकों पर उसे गठबंधन में शामिल होना पड़ा। अभी कांग्रेस केवल 2 राज्यों में शासन कर रही है और 2 राज्यों में गठबंधन में उसकी भागीदारी मामूली है। अपनी चिट्ठी में गुलाम ने एक एक किस्से को सोनिया गांधी को याद दिलाते हुए बताने की कोशिश की कि कैसे राहुल गांधी सीनियर नेताओं का अपमान करते थे और वो कुछ नहीं बोलती थी। तभी तो उन्होंने ये जिक्र किया कि हार के बाद राहुल गांधी ने झुंझुनाहट में अध्यक्ष पद छोड़ दिया। उससे पहले उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हर सीनियर नेता का अपमान किया जिसने पार्टी के लिए अपनी जिंदगी दी, तब आप अंतरिम अध्यक्ष बनी। गुलाम की टीस यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने चौथी और सबसे महत्वपूर्ण वजह गिनाते हुए सोनिया गांधी को वो लिखा कि कांग्रेस दशकों तक इस पत्र को भूल नहीं पाएगी। गुलाम नबी आजाद ने आगे लिखा कि
अभी भी बुरी बात ये है कि यूपीए सरकार की अखंडता को तबाह करने वाला रिमोट कंट्रोल सिस्टम अब कांग्रेस पर लागू हो रहा है। आप बस नाम के लिए इस पद पर बैठी हैं। सभी जरूरी फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। उससे भी बदतर ये है कि उनके सुरक्षा कर्मी और पीए ये फैसला ले रहे हैं। तो क्या वाकई में राहुल गांधी ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया? क्या वाकई में राहुल गांधी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते? क्या वाकई में वो सीनियर नेताओं का अपमान करते हैं? और क्या वाकई में कांग्रेस राहुल की वजह से इतिहास बनने जा रही है? और क्या वाकई में कांग्रेस राहुल गांधी की ही वजह से बेड़ा गर्क करवा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।